नमस्कार, मैं दीप, आप सबका स्वागत करता हूँ बी थिंक स्टडीज़ में। आज से हम लोग द हिंदू का एक्सट्रक्शन वर्जन को, जो हिंदू का न्यूज़पेपर है, उसको हम लोग एनालिसिस करेंगे। आज शुरू करता हूँ मैं 17/7/2017 के न्यूज़पेपर देखते हैं से, आज के न्यूज़पेपर से। तो अगर आज के न्यूज़पेपर हम लोग देखेंगे तो सबसे पहले इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है वो है नेशनल प्रोग्राम ऑन टेक्नोलॉजी एनहेंसिंग लर्निंग। ये पेज नंबर 2 पे मिलेगा आपको। तो इसमें क्या है, आईआईटी खड़गपुर ने डिसाइड किया है नॉर्थ ईस्ट के जितने भी हायर एडुकेशन के इंस्टीट्यूट्स हैं उन लोगों को अप्रोच करने का, ताकि नॉर्थ ईस्ट के पीपल को अवेयर कर सके इस प्रोग्राम के बारे में। ये प्रोग्राम जो है, ये प्रोग्राम क्या है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिसमें आप स्किल डेवलपमेंट कर सकते हो, आप स्टडीज़ कर सकते हो और अपने आप को एनहेंस कर सकते हैं। ये टोटली ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। ये मॉनिटर करता है आईआईटी खड़गपुर। इसके अंदर मोर देन 160 कोर्सेस है, 160 से भी ज़्यादा कोर्सेस है, इंक्लूडिंग कंप्यूटर स्टडीज, मैनेजमेंट, मैथ्स, बेसिक साइंस एंड मेनी मोर। तो ये इम्पोर्टेंट नॉर्थ ईस्ट के लिए अवेयरनेस इम्पोर्टेंट क्यों है? ये नॉर्थ ईस्ट के लिए इम्पोर्टेंट इसलिए है कि 5 लाख कैंडिडेट इसमें अप्लाई किए हुए, मतलब 5 लाख कैंडिडेट इससे फ़ायदेमंद हो रहा है, लेकिन इसमें से सिर्फ 7% नॉर्थ ईस्ट के हैं। तो बल्क अमाउंट ऑफ पीपल नॉर्थ ईस्ट के इसके बारे में जानता ही नहीं, इसीलिए आईआईटी खड़गपुर डिसाइड किया है नॉर्थ ईस्टर्न जितने भी हायर एडुकेशन इंस्टीट्यूट है उन लोगों को अप्रोच करें और उन लोगों के थ्रू उन लोगों को मीडियम बनाते हुए हर, मतलब व्यक्ति के, नॉर्थ ईस्ट के हर व्यक्ति के पास पहुंचे। तो ये स्कीम लॉन्च किया गया है। दूसरा ही न्यूज़ है इस, ये में इसी पेज में है। दूसरा न्यूज़ है हेल्पिंग स्टूडेंट्स टू पुट बेस्ट फुट फॉरवर्ड। एक्चुअली ये कैंपेन है जो गंजम डिस्ट्रिक्ट, ओडिशा के जो गंजम डिस्ट्रिक्ट है उसमें ये कैंपेन स्टार्ट किया गया है, जहाँ पे हर गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे को पैर में पहनने वाले जूता या फिर स्लीपर दिया जा रहा है और इसको कंपलसरी बना रहा है। ये 29 जून को लॉन्च किया गया है कालीपा दुकू नाम से ये कैंपेन। तो इसमें क्या है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो है वहाँ का, वो सबको समझाने की कोशिश किया है कि हाइजीन के लिए ये चप्पल और जूता कितना इफेक्टिव है, और जो भी डिजीज कॉज होते हैं नंगे पैर घूमने से वो भी हाईलाइट करना चाहते हैं। जो भी गरीब बच्चे हैं जो अफोर्ड नहीं कर पाते जूते, उन लोगों के लिए गवर्नमेंट की तरफ से जूते या फिर चप्पल दिया जाएगा स्लीपर्स जैसा, और हर एक बंदे के लिए 100 रुपये के हिसाब से पैसा दिया जा रहा है गवर्नमेंट की तरफ से। तीसरा न्यूज़ इसी पेज में है, आसाम टू शट डाउन इंटर स्टेट चेक गेट्स। मतलब आसाम जो है वो इंटर स्टेट चेक गेट्स जितने भी हैं सारे के सारे को बंद कर लिया, बंद कर दे रहा है। ये एक गुडविल जेस्चर है। इससे क्या होगा, दूसरे स्टेट से आए हुए जितने भी ट्रांसपोर्ट है जो एसेंशियल मटेरियल लेके आ रहा है आसाम में, उन लोगों को एक्स्ट्रा मनी देना नहीं पड़ेगा चेक गेट्स में। वो लोग सारे के सारे एग्जेप्टेड हो गए हैं कि किसी भी चेक गेट्स में कोई पैसा देना नहीं पड़ेगा। ये एक बहुत अच्छा डिसीजन है और इससे कॉस्ट जो है हम लोगों के आई नेसेसरी आइटम्स का वो रिड्यूस होगा। अब इसमें इम्पोर्टेंट क्या है, जीएसटी के दौरान सारे के सारे ऑलमोस्ट सभी स्टेट अपने चेक पोस्ट हटा रहे हैं, बट असम एक लौता ऐसा स्टेट है जिसमें जो नॉन जीएसटी के मतलब आइटम्स है उन लोगों को भी, मतलब उन सबको भी इंटरगेट से पास होना नहीं पड़ेगा। दैट मीन्स उन लोग, उसके लिए भी आपको टैक्स देना नहीं पड़ेगा या फिर चेक पोस्ट में पैसा नहीं देना पड़ेगा। ये बहुत अच्छा एक आइडिया, इनिशिएटिव है। तीसरा जो न्यूज़ है वो है सेफ हेवन फॉर एंडेंजर्ड इजिप्शियन वल्चर। आप लोग जानते हो इजिप्शियन वल्चर इंडिया में पाए जाते हैं, ये लोग रेयर ब्रीडिंग होते हैं और बहुत एंडेंजर्ड है। इन सब को ह्यूमन हैबिटेट में पंजाबी यूनिवर्सिटी के कैंपस में पटियाला के उस, उन लोगों को पाला जा रहा है, उन लोगों को ब्रीड करवा रहा है, उन लोगों को कल्चर किया जा रहा है और उन लोगों को एक अलग एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया गया है उधर। तो ये एक अच्छा न्यूज़ है। इन लोगों को इंडियन लैंग्वेजेस में या फिर हिंदी में बोलते हैं सफ़ेद गिद्ध, ठीक है। इजिप्शियन वल्चर जिसका साइंटिफिक नेम है नेफ्रॉन प्रेक्नोप्टेरस, ये इंडिया में पाया जाता है और आईयूसीएन दैट मीन्स इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर के दौरान उन लोगों को रेड लिस्ट पे एंडेंजर्ड मार्क किया गया है। इसलिए ये इम्पोर्टेंट है। ये हम लोगों का एनवायरनमेंट से क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि एनवायरनमेंट से ऐसा क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, तो ये एस्पेक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एक बार देख लीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट ये वाला इम्पोर्टेंट इतना नहीं है, पेस्ट्री में ही है, फिर भी अगर कभी भी लिक्विड बैंड के प्रोज एंड कॉन्स पूछ लिया तो शायद ये इम्पोर्टेंट हो सकता है।
इसमें क्या है, लिक्विड बैन इन बिहार हिट्स टीबी डायग्नोसिस, दैट मीन्स टीबी या फिर ट्यूबरकुलोसिस के डायग्नोसिस में लिकर बैन कैसे इफेक्ट किया। ट्यूबरकुलोसिस के जो डायग्नोसिस होता है उसमें इथाइल अल्कोहल की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ता है, लेकिन लिकर बैन के बाद इथाइल अल्कोहल का स्केरसिटी पड़ गया है सारे लैब्स में या फिर डायग्नोसिस सेंटर में, तो इसलिए ये टीबी डायग्नोसिस में बहुत प्रॉब्लम दे रहा है। आगे बढ़ते हैं, संगीता कलन निधि अवार्ड जो है वो मिला है रविकरण को। संगीता कलन निधि अवार्ड उसको मिला है, क्यों मिला है, क्योंकि वो चित्रवीणा में एस्ट्रो बहुत अच्छा प्ले करता है और एक लीजेंडरी व्यक्ति है, और छोटे बचपन से ही वो अपने आप के स्किल्स को और जनरेट किया हुआ है। वो 1969 पे चाइल्ड प्रोडिजी में स्कॉलरशिप के दौरान म्यूजिक एकेडमी अवार्ड जीत चुका है, और वो छोटे से ही अपने ये कला को बहुत ज़्यादा हाईलाइट कर रहे हैं या फिर बहुत ज़्यादा फेमस है इस कला के वजह से। ये जो चित्रवीणा है वो बेसिकली महाराष्ट्र के ओरिजिन है, लेकिन वो तमिल या फिर साउथर्न लैंग्वेज में ये इसको गट्टू वाद्यम बोलते हैं, गट्टू वाद्यम। तो ये जो है इसी के लिए, मतलब इसको बजाने के लिए ही इसको रिकॉग्नाइज किया गया है और इनको इस बार अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अब दिसंबर के 15 से लेकर जनवरी 1 होने वाले 91वें एनुअल कॉन्फ्रेंस में ये जो हम लोग का एन रविकरण है वो प्रिसाइड करेंगे ये जो सेशन होगा कॉन्फ्रेंस का। और 1 जनवरी को, दैट मीन्स लास्ट दिन जिसको बोला जाता है डे ऑफ सादस, उस दिन उसको इस अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। एन प्लेंट लैंड टू बी हैंडेड ओवर एन पी सी आई एल बाई अक्टूबर। आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट 2200 एकड़ लैंड दे रहा है न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड को अक्टूबर के अंदर। ये अगर दे दिया तो ये इंडिया का बिगेस्ट पावर प्लांट होगा, जो कि कोवदा विलेज ऑफ रानस्थलम मंडल डिस्ट्रिक्ट में है, मतलब होगा ये, और ये इंडिया का सबसे बड़ा एटॉमिक रिसर्च सेंटर होगा या फिर एटॉमिक पावर प्लांट होगा। आगे जो है वो इसी पेज में है, पेज नंबर 5 में, विशाखापत्तनम शिपयार्ड टू फिनिश रिपीट ऑफ INS सिंधुबीर, दैट मीन्स हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड काम शुरू किया है INS सिंधुबीर को मॉडिफाई करने का, मतलब इसको ठीक करने का, मरम्मत करने का। ये एक रशियन मेड वॉरशिप है, और जो बहुत सोफिस्टिकेटेड EKM क्लास सबमरीन है, मतलब EKM क्लास सबमरीन इंडियन नेवी का है और बहुत ही सोफिस्टिकेटेड मशीन है इसमें। ये कंपनी पहले भी सिंधुकृति INS सिंधुकृति को रेट्रोफिट कर चुका था, मतलब ठीक कर चुका था हुदहुद तूफान के बाद, जब INS सिंधुकृति जो थोड़ा खराब हो चुका था, थोड़ा मतलब डिफॉर्म हो चुका था, तो उसके बाद इसको रिस्टोर किया गया है इस हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा। ये हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड जो है वो बहुत प्रीमियर शिप बिल्डिंग कंपनी है, जो सिंधिया स्टीम नेविगेशन प्राइवेट लिमिटेड 1941 में बनाया गया था। अब मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने भी इन लोगों का एक प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया था, जिसमें हुंडई हैवी इंडस्ट्रीज साउथ कोरिया का शिपिंग जायंट के साथ ये लोग कोलाबोरेट करके आगे काम करेंगे। ये अच्छा एक न्यूज़ है। आगे बढ़ते हैं, श्री वेंकटेश्वर जूलॉजिकल पार्क हॉन्टेड बाई एनिमल डेथ। इसमें क्या है, इस जू में बहुत सारे रिसेंटली डेथ हो रहे हैं एनिमल के, रीजंस बहुत सारे हैं, तो ये रीजंस इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। जो इम्पोर्टेंट है इसलिए है क्योंकि ये जो मतलब ये जो जूलॉजिकल पार्क है वो केयरिंग सेंटर है रेस्क्यूड लायंस एंड टाइगर्स की। जो लायंस एंड टाइगर्स जंगल से रेस्क्यू किए जाते हैं वो उधर रखते हैं। ये सिर्फ रेस्क्यू सेंटर ही नहीं बट कैप्टिव ब्रीडिंग सेंटर भी है, जिसमें कैप्टिव ब्रीडिंग होता है। और जो रेस्क्यू सेंटर है वो दो दो रेस्क्यू सेंटर का होम है। ये एक है एनिमल रेस्क्यू सेंटर ARCS, दूसरा है केयरिंग फॉर रेस्क्यूड एनिमल। तो इस वजह से ये जूलॉजिकल पार्क इंपॉर्टेंट बन गया है, और ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि इस बार भी आप लोग अगर प्री देखेंगे तो क्वेश्चन आया है कि बब्बर शेर को गुजरात के गिर फॉरेस्ट से कहाँ नया मतलब हटाया गया है, कहाँ लेके जाया गया है। तो ऐसा ही इम्पोर्टेंट ये भी हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो नेक्स्ट टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, बंगाल मेडिसिनल प्लांट फेसेस थ्रेट। ये सीरियसली इंपॉर्टेंट चीज़ है। वेस्ट बंगाल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में एक यूनिक पब्लिकेशन के दौरान 581 स्पीसीज ऑफ मेडिकल प्लांट्स
को डिपिक्ट करके इन लोगों के एक पब्लिशेशन के दौरान, एक बुक के दौरान वो लोग पब्लिश किया है। इसमें वो लोग इनसीटू कन्वर्जर्वेशन और एक्सीटू कन्वर्जर्वेशन के दौरान कहाँ कहाँ ये मेडिसिनल प्लांट्स उगते हैं इसके बारे में डिटेल्स दिया है। इनसीटू दैट मीन्स जहाँ पे उन लोगों का नेचुरल हैबिटेट है वही ग्रो करने कर रहा है, ऐसा चार मेडिकल प्लांट कन्वर्सेशन एरिया दिया हुआ है, सॉरी कंजर्वेशन एरिया दिया हुआ है। तो इसमें से एक है बॉनी कैंप MCPA जो 24 परगना पे है, दूसरा है काकरापुर MCPA जो जानागल महल पे है, तीसरा है गार पंचकोट MCPA जो पंचेत हिल पुरुलिया में है, और चौथा है शुशुमिया MCPA जो बांकुड़ा में है। ये चारों के चारों है इन सीटू, दैट मीन्स वही जहाँ पे इन लोगों का नेचुरल हैबिटेट है वही कल्चर किया जा रहा है। एक्सीटू कंजर्वेशन में कौन सा आता है? एक्सीटू में आ रहा है आमला छाती मेडिकल प्लांट गार्डन। ये इंडिया का सबसे बड़ा मतलब गार्डन है जहाँ पे सबसे ज़्यादा स्पीसीज पाए जाते हैं। इसका डेमोग्राफिक एरिया इतना बड़ा नहीं है, 150 एकड़ की तरह मतलब करीब है, बट ये सबसे ज़्यादा स्पीसीज देता है इंडिया को। ये 20 किलोमीटर दूर है झाड़ग्राम के। और एक जो एक्सीटू कंजर्वेशन मतलब है वो है दीघा मेडिकल प्लांट गार्डन। ये आपको पूर्व मेदिनीपुर के दीघा में मिलेगा जो एक समुद्री एरिया है, और उसमें ये प्लांट गार्डन है मिलेगा, मेडिकल प्लांट गार्डन मिलेगा। ये लोग जो बुक लॉन्च किए हैं उसका 600 पेजेस है और जिसमें मेडिकल प्लान के बारे में सारे रिसर्च दिया हुआ है। और हम लोग जानते हैं वर्ल्ड में टोटल 20,000 मेडिकल स्पीसीज है जिनमें से इंडिया कंट्रीब्यूट करता है ऑलमोस्ट 5,000 स्पीसीज। उन 5,000 में से वेस्ट बंगाल 581 स्पीसीज के बारे में हाईलाइट किया, दैट मीन्स हर 10वें स्पीसीज वेस्ट बंगाल से बिलोंग करता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी न्यूज़ में बहुत सारे प्लांट्स का नाम दिए हुए हैं और इनका इंपॉर्टेंस दिया हुआ है, जैसे ग्लोरियोसा सुप्रेवा जो जिनके रूट एंटी कार्सिनोजेनिक दैट मीन्स एंटी कैंसरस या फिर एंटी मेलेरियल प्रॉपर्टीज दिखाते हैं। एस्परागस ऑफिशियल नेलिस जो जॉन्डिस के ट्रीटमेंट में काम आता है। एम्बलिका ऑफिशियल नेलिस जो रिच इन विटामिन्स है। माइमोसोप एलेंगी ये ट्रीटमेंट में होता है। ऐसे 8 टोटल प्लांट्स के नाम दिए हुए हैं, तो आप लोग ये देख लीजिए कि ये सीरियसली इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आ ही सकता है। एटलीस्ट UPSC से अगर ना पूछे तो बाकी सारे एग्जाम जैसे कि CDS हो गया और सारे जितने भी एग्जाम्स हैं उसमें पूछ सकता है। आगे बढ़ते हैं, GM मस्टर्ड जो है वो उसका जो रिलीज है उसमें और एक हर्डल आ गया। GM मस्टर्ड मतलब जेनेटिकली मॉडिफाइड मस्टर्ड फिर से एक एक्टिविस्ट के ग्रुप का हर्डल फेस कर रहा है। NAS NAS का प्रेसिडेंट जो है वो चाहता है यही GM मतलब जेनेटिकली मॉडिफाइड जो मस्टर्ड है उसके जो बीज है DMH11 नाम दिया गया है वो जल्द मार्केट में आए। लेकिन कुछ एक्टिविस्ट है इसको प्रोटेस्ट कर रहा है। ये जो सीड है वो डेवलप किया गया है दीपक पंतेल के दौरान जो है दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर है। कैसे बनाया गया है? ट्रेडिशनल वरुणस मतलब सीड के जो भी स्पीसीज है वरुणा स्पीसीज के साथ ईस्ट यूरोपियन वैरायटी को क्रॉस किया गया है, इसके बाद इसको जनरेट किया गया है। MC केशवम इसको अपोज करता है ये बोल के कि ये एक फेल्ड ट्रीटमेंट है और BT कॉटन के जैसा, और ये मतलब ये नहीं करे हाईलाइट या फिर ये अच्छा नहीं होगा सोसाइटी के लिए या फिर फार्मर्स के लिए। वेयर एज ये बहुत सारे टेस्ट से गुजर चुका है और सेफ्टी लिमिट के साथ ये मतलब रिलीज हो चुका है, मतलब सेफ्टी लिमिट क्रॉस कर चुका है और इसको सेफ डिक्लेयर किया गया है। आगे बढ़ते हैं, सुप्रीम कोर्ट में प्ली इन सुप्रीम कोर्ट सीकिंग टू कर्ब क्रिप्टो करेंसी। पहले आपको जानना पड़ेगा ये क्रिप्टो करेंसी क्या है। एक्चुअली क्रिप्टो करेंसी है पैरेलल करेंसी और वर्चुअल करेंसी जैसे कि बिटकॉइन। अब सुप्रीम कोर्ट में एक एक्टिविस्ट ने प्ली किया है कि ये क्रिप्टो करेंसी का इलीगल ट्रेड जो है वो बंद होना चाहिए। किस लिए बंद होना चाहिए? ये इलीगल ट्रेड बहुत सारे इलीगल एक्टिविटीज़ को फंड कर सकते हैं एक्सटर्नली। ये बिटकॉइन के बारे में आप इकोनॉमिक्स की क्लास में आराम से समझ जाओगे, मैं कोशिश करूंगा इसको समझाने की। फिलहाल ये समझ लीजिए ये एक लूप है जो यूज़ करके इलीगल एक्टिविटीज़ को अंजाम दिया जा सकता है। बिटकॉइन इज़ वेरी गुड फॉर इन्वेस्टमेंट बट इसका मिसयूज़ हो सकता है, तो इसी के बारे में ये लोग हाईलाइट किया है जो स्टेट के सोवरेनिटी को मतलब हर्म कर सकता है।
आगे बढ़ते हैं। आईबीबीआई नोटिफाई किया है नया रूल्स। आईबीबीआई किस बारे में नया रूल नोटिफाई किया है? बैंकरप्सी प्रूफ के बारे में नोटिफाई किया है नया रूल्स। आइए जानते हैं वो नया रूल्स क्या है। पहला है पावर टू स्टार्ट प्रूफ अगेंस्ट सर्विस प्रोवाइडर रजिस्टर्ड विद और विदाउट इंटीमेटिंग देम। दैट मीन्स जो सर्विस प्रोवाइडर है रजिस्टर्ड या फिर ना रजिस्टर्ड, उनके अगेंस्ट में प्रूफ करने मतलब करने का पावर दे दिया गया है। ठीक है, ये एक नया रूल आया। दूसरा है नोटिफाई द रेगुलेशन फॉर इंस्पेक्शन एंड इन्वेस्टिगेशन ऑफ सर्विस प्रोवाइडर रजिस्टर्ड इन इट। दैट मीन्स उन लोगों को नोटिफाई किया जा रहा है कि सर्विस प्रोवाइडर जितने भी हैं रजिस्टर्ड, उनके अगेंस्ट में इंस्पेक्शन या फिर इन्वेस्टिगेशन करें। तीसरा है इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसीज, प्रोफेशनल एंटिटीज एंड इंफॉर्मेशन यूटिलिटीज आर कंसिडर्ड एज सर्विस प्रोवाइडर अंडर दिस कोड। दैट मीन्स इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसीज या फिर प्रोफेशनल या फिर एंटिटीज और इंफॉर्मेशनल यूटिलिटीज जितने भी ये इंस्टीट्यूट्स हैं, इनको सर्विस प्रोवाइडर पकड़ा गया है सर्विस इस कोड के दौरान। दैट मीन्स ये लोग अभी से अब सर्विस प्रोवाइडर बन चुके हैं और इन लोगों के अगेंस्ट पे भी प्रूफ हो सकता है। तो ये तीन इंपॉर्टेंट रूल्स इस बार दिया गया है। अब आगे बढ़ते हैं। गवर्नमेंट नया नया तीन एक्सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर का प्लान लॉन्च किया गया है। तीन प्लान्स कहाँ कहाँ पे है देखते हैं। एक है इंटीग्रेटेड कार्गो टर्मिनल एट इम्फोल एयरपोर्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इम्फोल एयरपोर्ट में नया एक इंटीग्रेटेड कार्गो टर्मिनल किया है जिससे साउथ वेस्ट एशिया का पूरा के पूरा एक्सपोर्ट इससे हैंडल किया जा सकता है, एटलीस्ट एयरवे वाला, मैं समुद्र वाला नहीं बोल रहा हूँ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्या है, मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज इन कर्नाटका मेरिन एक्सपोर्ट एज प्रपोज्ड बाई एम्पावर्ड कमेटी। एम्पावर्ड कमेटी जो है वो प्रपोज किया था कर्नाटका के मेरिन एक्स मतलब ये को कर्नाटका के मेरिन एक्स ये एक्सपोर्ट के लिए वहाँ का जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज है उसको मॉडर्न करें। तो इसको भी गवर्नमेंट ने क्लीन चिट दे दिया है और ग्रीन सिग्नल दे दिया है, अब काम शुरू हो जाएगा। तीसरा है स्टैंडर्ड डिज़ाइन फैक्ट्री बिल्डिंग, मतलब स्टैंडर्ड डिज़ाइन फैक्ट्री बिल्डिंग जो कोची में है स्पेशल इकोनॉमिक जोन में, उसको भी ग्रीन सिग्नल मिल गया, तो ये भी काम शुरू हो जाएगा। चलिए आज लास्ट वाले में जाते हैं। इसमें क्या है, स्मार्ट ग्लव्स दैट कैन ट्रांसलेट साइन लैंग्वेज। एक जेस्चर कंट्रोल ग्लव्स बनाया है पीएचडी स्कॉलर कैलिफोर्निया सैनडियागो यूनिवर्सिटी के, मतलब दैट मीन्स यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया सैनडियागो के, जिसमें जेस्चर रिकॉग्निशन एक ग्लव्स है जो साइन लैंग्वेजेस को हम लोग के लैंग्वेज में ट्रांसफर कर सकता है। ये जनरली पार्ट है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, ये बोथ मैटप्लैब या फिर पार्टिकल स्वॉर्म ऑप्टिमाइजेशन के दौरान कर सकते हैं। इसमें क्या होता है, जैसे कि फेस रिकॉग्निशन हो गया, वॉइस रिकॉग्निशन हो गया, ऐसे ही जेस्चर रिकॉग्निशन के दौरान ये चेंज कर सकता है। ये बहुत ही अच्छा एक नया डेवलपमेंट या फिर नया डिस्कवरी है जो किया है और इनोवेशन है जिससे बहुत लोगों को फायदा होगा। नेक्स्ट आता है आर्टिफिशियल सिल्क, ये सुपर फ्लेक्सिबल एंड स्ट्रॉन्ग एक सिल्क बनाया गया है स्पन फ्रॉम स्पन से। ये स्पन क्या चीज़ है, ये सूपी हाइड्रोजल से और सिलिका सेलुलोस हाइड्रोजल से बनाया हुआ है। जो स्पन है वो 98% वाटर है, जिस जो सूपी हाइड्रोजल से बनाया गया है। साइंटिस्ट ऑफ कैम्ब्रिज ने इसको बनाया है, कैम्ब्रिज के साइंटिस्ट ने, जिसमें से 98% है वाटर और 2% है सिलिका सेलुलोस। तो इसको देखे एक आर्टिफिशियल सिल्क बनाया गया है जो बहुत ही स्ट्रांग और फ्लेक्सिबल है। तो यही था आज के इम्पोर्टेंट न्यूज़। एडिटोरियल पार्ट अगले वाले लेक्चर्स में आ रहे हैं, मैं इसमें बना नहीं पाया क्योंकि लेक्चर्स ये बहुत बड़ा मतलब बन गया ऑलमोस्ट 19 मिनट्स का। इसलिए थैंक यू आज मेरे लेक्चर्स को सुनने के लिए। अगले लेक्चर में भी मतलब आगे के लेक्चर में भी डिफरेंट मतलब न्यूज़पेपर के बारे में मैं बोलता जाऊँगा और डिफरेंट सब्जेक्ट्स के लेक्चर्स भी देता रहूँगा। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना भूलिएगा नहीं। थैंक यू।